वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गिग हाउस दोस्तों। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मुझे एक फ्रीलांसर का प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो उस प्रोजेक्ट में मैं कैसे काम करता हूँ, कैसे मैं बिट करता हूँ। तो एक प्रोजेक्ट है जो जिनका प्रोजेक्ट एक ऐप है, तो उस ऐप में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और कुछ मॉडिफिकेशन कराना है। तो क्लाइंट्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, तो उस क्लाइंट्स के जो मैसेजेस है, तो मैंने कुछ पूछा कि डेटाबेस कैसा है। तो उन्होंने बताया कि MySQL का डेटाबेस है MongoDB, तो उन्होंने MySQL का बताया। तो उन्होंने फिर ऐप रिलेटेड इश्यूज़ बताएं जो फ्रेम इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मैंने सारा जो इशू उनका जो है, उन्होंने एक PDF फाइल में मुझे प्रोवाइड किए हैं। तो ये PDF फाइल है, तो इनके जो ऐप में ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये इश्यूज़ को देख के मैंने उनको एक प्राइसिंग सजेस्ट किया उसी कुछ समय एनालिस करने के बाद। तो ये प्राइसिंग का टोटल रहा। तो इनको प्राइसिंग देने के बाद तो उन्होंने बताया कि कुछ और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो भी मैंने कंसिडर किया उसी सेम प्राइसिंग के अंदर में। तो टोटल प्राइस बन रहा था इतना। तो ये क्लाइंट ने बताया कि ये कुछ हैवी है, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट है या फिर उनके लिए थोड़ा हाई है। तो उसके वजह से उन्होंने बताया कि नहीं, ये फिजिबल नहीं है। तो उन्होंने फिर सजेस्टेड 25,000 बताया। तो मैंने बताया 25,000 इज़ वेरी लो, तो मेक इट 35,400। तो देन अगेन उन्होंने बताया कि नहीं, 25 करना है तो करो, नहीं तो आई विल फाइंड समवन एल्स। तो मैंने 25 इज़ वेरी लेस बोला। तो फिर मैंने नेगोशिएट किया 30K पे। तो एनी हाउ तो कस्टमर ने एट द मोमेंट राजी नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डिस्कशन के बाद तो फिर फाइनल प्रोजेक्ट डन हुआ 27K में। तो प्रोजेक्ट डन होने के बाद फिर उन्होंने जो लॉगिन डिटेल्स मुझे प्रोवाइड किए, तो ये जो प्रॉब्लम सारे हो रहे हैं, तो ये उन्होंने जो ड्राइव गूगल ड्राइव के जो प्रोजेक्ट है उन्होंने दिए, जो बैकअप सोर्स कोड है, जो फाइल है, जो मुझे डाउनलोड करके चेक करना रहेगा। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके देख चुका है जो प्रॉब्लम है। मैंने ऑलरेडी उसी समय सजेस्ट कर लिया था, एज्यूम कर लिया था ये सारे प्रॉब्लम्स है, तो उसी प्रॉब्लम वाइज मैं फिक्स करने वाला हूँ। तो उनको मैंने जो टाइमिंग दिया है, जो आपका टोटल शायद 14 वर्किंग डेज का टाइमिंग दिया हुआ है, बट 14 वर्किंग डेज पहले से ही मैं कंप्लीट करने वाला हूँ ये काम को। तो ये इनका जो सी पैनल एक्सेस दिया हुआ है मुझे, और सी पैनल का जो फाइल मैनेजर का पब्लिक HTML एक्सेस भी मेरे पास मिल चुका है। तो इस प्रोजेक्ट में मेनली काम होगा जो है इनका API रिलेटेड इशूज़ हो रहे हैं। तो API का डिटेल्स भी दे रखा हुआ है उन जो पोस्ट मैंने, तो मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, रीज़न आप जो ये पब्लिक आ जाएगा क्लाइंट के रिलेटेड, तो इसी वजह से। तो और ये मैं कंप्लीट करने वाला, तो इसी वजह से मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि कैसे फ्रीलांसर प्रोजेक्ट आप पिक करने वाले हो, कैसे आप फ्रीलांसर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। तो मैं एक और एक वीडियो बनाऊंगा कि इस प्रोजेक्ट का मेन इश्यूज़ क्या है और कैसे मैं फिक्स कर रहा हूँ। तो सेम वेज आप चाहते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट पिक करना, आप खुद रिजॉल्व करना चाहते हैं, या फिर आप एक डेवलपर सीखना चाहते हैं, या फिर आप कोई फ्रीलांसर डेवलपर हायर करके, प्रोजेक्ट हायर करके फ्रीलांसर को प्रोजेक्ट हैंडओवर कर सकते हैं, जो आप एक बजट से आप देखे आप जो है आपका कमीशन चार्ज कर सकते हो। तो ये चाहते हैं कि इस बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं इस बारे में बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जब भी मैं नया वीडियो लाऊंगा तो उस बारे में आपको नोटिफिकेशन आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ करने वाला हूँ इस चैनल के साथ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।